हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 26 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललटा प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि कुमार गौरव सर की करंट अफेयर क्वेश्चन से लिया गया है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। पहला प्रश्न हो जाता है हमारा, हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता किसने त्याग दी है। तो हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है। आपका सही जवाब हो जाएगा अंगोला। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक है। जो पेट्रोलियम का निर्यातक देश हैं उन्हीं का एक यह संगठन है, जिसे क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी, 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी। और ओपेक की स्थापना कहाँ पर की गई थी, बगदाद में, जो कि ईरान का एक शहर है। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो स्टूडेंट, ओपेक से खुद को बाहर किसने किया है, आप सभी को पता है कि अंगोला ने जो है ओपेक से खुद को बाहर कर लिया है, यानी एग्जिट कर लिया है। ओपेक में शामिल कुल कितने देश थे, तो ओपेक में शामिल 13 देश थे, इनमें से एक देश निकल गया जिसका नाम है अंगोला। नेक्स्ट है आपका, अब अंगोला जो है किस महाद्वीप का देश है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अंगोला की राजधानी का नाम है लुआंडे। अंगोला जो है इसकी राजधानी है लुआंडे, ये आप याद रखेंगे। अभी जो है ओपेक से कौन कौन से देश निकले हैं, एक तो अभी हाल ही में निकला है आपका अंगोला, इसके बाद इक्वाडोर भी निकल गया था ओपेक से, और कतर भी निकल गया था ओपेक से। ओपेक में शामिल होने का एक शर्त होता है कि जो ये संगठन बनाए हैं, ये 13 देश जो है एक इस तरह का मैनेज करते हैं कि जो है आपको साल भर में इतना ही तेल मतलब निकालना है। लेकिन अंगोला की मतलब मांग या डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए अंगोला ज़्यादा तेल निकालना चाहता था, जो कि ओपेक के जो संगठन था इसको मना कर रहा था। इसलिए उसने बोला कि जो है हमें तेल निकालना ज़्यादा ज़रूरत है, हम ज़्यादा निकालेंगे और हम जो है आपके संगठन से बाहर हो रहे हैं। इसी तरह जो है इक्वाडोर भी बोल के जो है बहुत पहले बाहर हो गया था, और कतर भी यही बोल के बाहर हो गया था कि हम तेल ज़्यादा निकालेंगे। इक्वाडोर की राजधानी का नाम हो जाता है क्विटो, और कतर की राजधानी का नाम हो जाता है दोहा। पाम ऑयल रिवर के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो यह जानी जाता है नाइजर नदी। नाइजीरिया की राजधानी का नाम है अबूजा। अब देखते हैं कि नाटो में जो है 31वां देश शामिल होने वाला कौन सा है, तो यह है फिनलैंड। नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश है फिनलैंड। G20 का जो है नवीनतम सदस्य कौन बना है, तो यह बना है AU यानी अफ्रीकन यूनियन। G20 में जो है 19 देश हैं और 2 संगठन है, ठीक है। तो एक संगठन आपका हो जाता है AU और दूसरा संगठन हो जाता है EU, ठीक है। तो EU AU, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, तो ये 2 संगठन और 19 देश हैं G20 में। तो अब G20 क्या बन गया है, G21 बन गया है, ठीक है। तो G21 बन गया है। नेक्स्ट है आपका, आसियान का नया सदस्य देश कौन बना है, तो 11वें नंबर का आसियान का देश बना है तिमोर लिस्ते। SCO का 9वां सदस्य देश कौन बना है, तो SCO का 9वां सदस्य देश बना है ईरान। ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ओपेक से बाहर होने वाला अभी हाल ही में कौन सा देश है, तो यह है अंगोला। सेकंड प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड्स किसने प्रदान किया है। तो हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है, तो यह प्रदान किया है UAE ने। अब इसके बारे में पूरी चर्चा देखते हैं। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड, इसे क्या कहा जाता है, इसे अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह अभी हाल ही में कहाँ से प्रदान किया गया है, UAE ने प्रदान किया है कहाँ से, अपनी राजधानी अबू धाबी से, ठीक है। और यह जो है, यह जो अवार्ड है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। और यह पुरस्कार किसे मिला है, तो यह प्रोफेसर वासनी लाडरेज को मिला है, जो कि किस देश के हैं, तो यह हैं अल्जीरिया के। ये आप याद रखेंगे। तो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने दिया है, UAE ने, किसे दिया है, प्रोफेसर वासनी को, जो कि अल्जीरिया से संबंधित है। बाकी के चार देश दिए गए हैं। कतर की राजधानी का नाम है दोहा, ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान, सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद। तो कतर का दोहा, ईरान का तेहरान, सऊदी अरब का रियाद, ये सभी राजधानी हो जाते हैं। अगर पूछे साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 में, तो यह दिया गया जॉन
फोंसे को, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, जॉन फोंसे हैं नॉर्वे के। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोंसे को दिया गया है और ये नॉर्वे के नागरिक हैं। नेक्स्ट आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है डॉक्टर सिकृता पॉल को। और इनके किस उपन्यास के लिए, तो साल्ट और पेपर के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और यह किस नंबर का पुरस्कार है, तो ये छठे नंबर का टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो दिव्यांग है इनको पुरस्कार दिया गया है, तो इनका क्या नाम हो जाता है, शीतल देवी को। शीतल देवी को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार दिया जाता है जो कि दिव्यांग खिलाड़ी हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है पहली बार की जाती है, दिव्यांग एथलीट पुरस्कार, इसे पैरा एथलीट भी कहते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत पहली बार की जाती है, यानी इसकी घोषणा पहली बार की जाती है। तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो है यह अवार्ड दिया गया है। तो हम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में मेल को भी देखेंगे और इसके बाद फीमेल में भी देखेंगे, और सर्वश्रेष्ठ जो कोच है इसे भी देखेंगे। तो इसमें हमें तीन अवार्ड देखना है, मेल, फीमेल और कोच के बारे में। तो मेल में किसे दिया गया है, तो यह सुमित अंतल को दिया गया है, इनका खेल है भाला फेंक। और शीतल देवी को दिया गया है फीमेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, जो कि तीरंदाजी से संबंधित यह प्लेयर हैं। और कोच दिया गया है गौरव खन्ना को, जो कि बैडमिंटन के कोच हैं। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में मेल में सुमित अंतल को, महिला में शीतल देवी को, और कोच सर्वश्रेष्ठ कोच में गौरव खन्ना को दिया गया है। यह महत्वपूर्ण अवार्ड है जो पहली बार शुरुआत किया गया है, वो किसे दिया जाता है, जो एथलीट खिलाड़ी होते हैं। एक और देखते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, दिव्यांग एथलीट प्लेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है मुरली कांत जी को, जो कि प्लेयर किसके हैं, तैराक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है 1972 में पैरा ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया था। तो भारत को पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जिताया था, मुरली कांत ने 1972 में, ठीक है। तो इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद टीम अवार्ड, मेजर ध्यानचंद टीम अवार्ड ऑफ द ईयर यह किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम को। मेजर ध्यानचंद टीम अवार्ड इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम को दिया गया है। ओलंपिक में पहला मेडल, मेडल यानी ओलंपिक में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था मेल वर्ग में, तो मेल वर्ग में जीते थे केडी जाधव। अगर ओलंपिक में पहला पदक महिला ने, कौन सी महिला ने जिताया था भारत को, तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जिताया था। इनके खेल का नाम है वेट लिफ्टिंग, ठीक है। वो केडी जाधव का कौन सा खेल है, तो इनका कुश्ती है, ठीक है, के फॉर कुश्ती। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किस व्यक्ति ने जिताया था, किस खिलाड़ी प्लेयर ने जिताया था, तो ओलंपिक में पहला गोल्ड जिताए थे अभिनव बिंद्रा जी। इनका खेल हो जाता है शूटिंग का। ओलंपिक में पहला सिल्वर जिताने वाली फीमेल प्लेयर कौन है, तो यहाँ है पीवी सिंधु जी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा SGBS उन्नति फाउंडेशन। इसके बारे में देखते हैं, SGBS उन्नति फाउंडेशन को जो है अभी हाल ही में सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गई है, और इसे सूचीबद्ध किसने किया है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जो है यह सूचीबद्ध हुई है, और यह सूचीबद्ध होने वाली पहली फाउंडेशन बन गई है, जिसका नाम है SGBC उन्नति फाउंडेशन। यह जो फाउंडेशन है यह कल्याणकारी NGO को सूचीबद्ध किया जाता है, यानी जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है यह किसे सूचीबद्ध करती है, जो कल्याणकारी NGO होते हैं, जो लोगों के लिए अच्छे कार्य करते हैं, उन्हें जॉब दिलाते हैं, या उन्हें जो है पर्यावरण के प्रति जो है अवेयर करते हैं, इसलिए जो है उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध कौन करता है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है यह सूचीबद्ध करता है। तो 2023 में किसे सूचीबद्ध किया है, SGBS उन्नति फाउंडेशन को सूचीबद्ध किया है। अगर पूछे जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसे रेगुलेट, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की गई थी 2019-20 में की गई थी, ठीक है। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज को जो है रेगुलेट कौन सी कंपनी करती है, तो यह करता है सेबी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, यह सेबी करती है, इसे आप याद रखेंगे। अगर पूछेंगे कि SGBS उन्नति फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 2000
2011 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी का फुल फॉर्म हो जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह सेबी की फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में, यानी इसे संविधान में दर्जा कब दिया गया था? तो 1992 में, लेकिन स्थापना हुई थी 1988 में। सेबी की जो है पहली महिला हेड कौन बनी है? तो यह बनी है माधवी पुरीबुच, जो कि वर्तमान में सेबी की हेड है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है मुंबई में, इसे आप याद रखेंगे। और सेबी का कार्य क्या होता है? तो सेबी का कार्य होता है शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये हो जाता है सेबी से महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है आपका मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को कौन रेगुलेट करता है? तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को कौन रेगुलेट करता है? मुद्रा बाजार को जो है आरबीआई गवर्नर, जो मतलब आरबीआई रेगुलेट करती है मुद्रा बाजार को, जबकि पूंजी बाजार को रेगुलेट कौन करता है? तो इसे करता है सेबी रेगुलेट करता है। और सेबी ने भी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? सारथी पोर्टल। नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो यानी कि BSE। तो यह जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी स्थापना अगर पूछे कब की जाती है तो 1887 में इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई दलाल स्ट्रीट में इसकी स्थापना की गई थी। इस मामले में जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक चेंज हो जाता है BSE। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, तीन डेट मैंने लिखा है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर। तो इन तीन डेट को क्या मनाया जाता है? सबसे पहले देखते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को जो है उपभोक्ता संरक्षण एक्ट लागू किया गया था, इसलिए जो है 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है 15 मार्च को। 25 दिसंबर के बारे में देखते हैं, तो 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में जो है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। और पहली बार जो है सुशासन दिवस कब मनाने की घोषणा की गई थी? तो 2014 में की गई थी। इसके बाद देख लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का क्या नाम है। तो इनकी कविताओं का नाम है मेरी 51 कविताएं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये जो है देश के तीन बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक बार इनका सबसे जो है अभी तक जो है सबसे कम कार्यकाल किस प्राइम मिनिस्टर का रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। एक बार इन्होंने 13 दिन का ही कार्यकाल पूरा किया था, जो कि न्यूनतम कार्यकाल है। तो प्राइम मिनिस्टर के पद पर सबसे कम समय तक कौन बने थे? तो वाजपेयी जी बने थे, ठीक है। कितना दिन? तो 13 दिन। इसके बाद देखते हैं कि 2014 में जो है भारत रत्न दिया गया था दो महान व्यक्तियों को। एक तो आपके हो जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरे आपके हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय जी। इन दोनों को जो है भारत रत्न दिया जाता है 2014 में। अब हमारा बचता है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो ये होता हो जाता है आज का हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अगर पूछे भारत रत्न पहली बार जो है तीन लोगों को दिया गया था, और कब दिया गया था? तो 1954 में पहली बार भारत रत्न तीन लोगों को दिया गया था। एक तो सी वी रमन जी को दिया गया था, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, और तीसरा राजगोपालाचारी जी को। नेक्स्ट है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा जो है एक नई खोज की गई है, जिसका नाम जो है पेंटोवा टैगोरी रखा गया है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। क्योंकि विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। तो इसी विश्वविद्यालय के द्वारा जब कोई नई चीज खोजी गई है, तो इसी का नाम जो है रख दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर, पेंटोवा टैगोरी। तो यह क्या है? तो यह है आपका एक बैक्टीरिया। इसके बारे में अब हम देख लेते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में किया गया था कलकत्ता में। और किसने किया था? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना करी थी
1921 में कलकत्ता में। यह जो है विश्व की पहली प्रथम लिविंग हेरिटेज भी घोषित हुई है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व की पहली प्रथम लिविंग हेरिटेज भी घोषित किया गया है। और इसी विद्यालय ने जो है भी हाल ही में जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज करी है, जिसका क्या नाम है, पंटोआ टैगोरी इसका नाम है। और यह कहाँ पर खोजा गया है, तो यह खोजा गया है, यह बैक्टीरिया झारखंड में खोजा गया है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया का क्या कार्य है, तो इस बैक्टीरिया का कार्य है पौधों के विकास के लिए सहायक है। तो यह बैक्टीरिया पौधों के विकास के लिए सहायक है, जिसका क्या नाम रखा गया है, पंटोआ टैगोरी, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हमारा यूनेस्को में शामिल भारत की 41वीं विश्व धरोहर कौन सी है, तो यह है शांति निकेतन। अगर जो है 42वीं पूछे, जो कि नवीनतम है, तो 42वीं आपकी हो जाती है हुयलेश्वर मंदिर। हुयलेश्वर मंदिर जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी, सबसे पहले गुरु किसने बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, तो महात्मा गांधी जी ने बोला था गुरु, ठीक है। विश्व का काला प्रदेश यह कहाँ पर है, इसे जो है रूर के प्रदेश को जो है विश्व का काला प्रदेश कहा जाता है। और रूर का प्रदेश कहाँ है, जर्मनी में। और भारत के पूछे काला प्रदेश कौन सा है, तो भारत का हो जाता है दामोदर घाटी। 7वां प्रश्न है, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा UAE में। इसकी व्याख्या देखते हैं, एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप या 25वें क्रम का, आपको प्रश्न भी दिख रहा है, 25वें क्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो UAE में किया गया है। और भारत ने इसमें जो है 2 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल भारत ने जीते हैं। तो भारत ने 7 मेडल जीते हैं युवा शतरंज एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन UAE में किया गया है। नेक्स्ट, आपका भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 84वें नंबर के नवीनतम बने हैं रमेश वैशाली रमेश बाबूजी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है, तो यह बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया है। पैरा एशियन गेम्स में भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की 5वीं रैंक है और भारत ने इसमें टोटल 111 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुई है, तो राज्य के जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समृद्ध करने के लिए संस्कृत उत्सव कहाँ शुरू किया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या है संस्कृत उत्सव 2023 यह जो है यूपी में शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है संस्कृत उत्सव में जो है क्या होगा, जो राज्य की यानी उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समृद्ध करना है, यानी उसको ठीक ठाक से चलाते रहना है। और इसमें जो है संस्कृति उत्सव का थीम क्या रखा गया है, उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृति हमारा पहचान। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। एक तो आपका हो जाता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, इधर आपका मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो ये इस प्रकार के 8 राज्य से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। एक यूटी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, जो कि यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है दिल्ली। एक देश से सीमा बनाता है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है। तो भारत यूपी जो है 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से सीमा बनाता है जिसका नाम है नेपाल। और वहीं जो उत्तर प्रदेश का ये वाला राज्य पड़ता है, ये वाला जिला पड़ता है, इसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र जो है 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र जिला है। तो ये जो है 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। इधर आपका बिहार हो जाएगा, बी फॉर बिहार, इधर आपका हो जाएगा झारखंड, ये आपका छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। नेक्स्ट, आपका लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80। राज्यसभा की सीटें हैं 31। विधानसभा की सीटें हैं 403 और विधान परिषद की सीटें हैं 100। तो ये आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है। पुनौरा धाम परियोजना का संबंध हो जाता है आपका बिहार से। इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान लेते हैं, पुनौरा धाम परियोजना कहाँ शुरू की गई है, बिहार के
मिथिला प्रदेश में, जो कि मिथिला प्रदेश के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला आता है, और सीतामढ़ी के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है पुनौरा धाम स्थान। तो यह एक स्थान है बिहार जिले के, बिहार प्रदेश में, ठीक है, मिथिला राज्य, मिथिला प्रदेश में सीतामढ़ी एक जिला है। सीतामढ़ी जिले के अंदर एक पुनौरा धाम है, स्थान है, वहीं पर जो है पुनौरा धाम परियोजना शुरू किया जा रहा है। और यह पुनौरा धाम स्थान किससे संबंधित है? सीता माँ की जन्म स्थली है। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पे मिथिला प्रदेश में जो है कोसी नदी बहती है, और इसी को जो है विकास करने के लिए, पुनौरा धाम का विकास करने के लिए, यहाँ पर पर्यटन का विकास करने के लिए परियोजना कौन सी शुरू की गई है? तो पुनौरा धाम परियोजना शुरू की गई है। इसके लिए जो है कितना रुपया लगने वाला है? तो 72 करोड़ रुपया लगने वाला है। नेक्स्ट है आपका, हरियक वंश के संस्थापक कौन है? तो यह बिंबिसार है। किसके काल में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी? तो कालाशोक के समय में, जो कि यह शिशुनाग वंश का शासक था। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेपाल से सीमा बनाने वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो नेपाल से सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं कौन कौन से? आपका सबसे पहले आएगा यूके यानी उत्तराखंड, फिर आपका यूपी, फिर आपका बिहार आ जाएगा, बिहार के बाद आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका सिक्किम। तो इस प्रकार से जो है नेपाल से सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? जो केंद्र सरकार नौकरी देती थी उसमें जो है जो आरक्षण दिया जाता था, उनमें से जो है इन 3 बीमारियों को अब बाहर कर दिया गया है। यानी कि ये 3 बीमारी जिन लोगों में होंगे उनको अब आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पहले दिया जाता था। तो इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार 2016 में एक एक्ट लेकर आती है, और यह एक्ट किससे संबंधित है? तो दिव्यांगजन के लिए, अधिकार के लिए यह एक्ट लाया गया था। यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब आएगी केंद्र सरकार में, उसमें जो है 4% का आरक्षण दिव्यांगजनों को दिया जाएगा। लेकिन जो रोग रक्त विकार से उत्पन्न होता है उसे, तो उसे 4% का आरक्षण नहीं मिलेगा। जो बीमारी रक्त विकार से उत्पन्न होता है उसमें अब 4% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पहले दिया जाता था लेकिन अब नहीं दिया जाएगा। और वो कौन कौन से रोग हैं? थैलीसीमिया, सिकल सेल रोग, हीमोफीलिया, ये 3 रोग ऐसे हैं जो रक्त विकार से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अब इन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, पटाऊ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? तो पटाऊ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? 13वें ट्रायोसोमी से होता है, ये याद रखेंगे। जबकि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? तो 21वें ट्रायोसोमी से होता है। नेक्स्ट आपका, मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? तो यहाँ RBC प्रभावित होता है मलेरिया रोग में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन और उसके साथ जितने भी लल्लन टॉप प्रश्न थे सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसका आप सभी को PDF दे दूंगा। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।